वेलकम बैक टू माई चैनल पीयूष राणा प्रोग्राम अकाउंट्स एन ई सी एस कंसल्टेंट्स हुए, ताकि आप लोग एग्जाम क्लियर तो करो ही करो, लेकिन लाइफ के लिए भी कुछ याद रखो। जस्ट एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा पानी मार लेते हैं। ओके, प्री माई बी कॉम टॉपिक अपना रिकंसिलिएशन, एज एवरीवन इज अवेयर, राइट। सब नंबर वन, लेट अस स्टार्ट। इस बात में इस समय खास क्या है, क्या हमें क्या है यहाँ पे लॉस है, और लॉस के बाद भी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। वैसे ही सोचो जैसे सोचते आए हो, पिछले साल तक मैं अलग सोचवा था, अलग सोचने बोलता था, अब इसे ही सोचो। टोमियाटिस का फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। नेट लॉस एज पर कॉस्ट ऑलरेडी रिटर्न 172,400, लेकिन लॉस है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसको क्या किया है, ब्रैकेट में लिख दिया है। कैसे पे क्या करना है मैं आप लोगों को बोलता हूं। ओके, अब वी हैव टेकन लॉस एज पर कॉस्ट, तो सोचना है एज पर एफ, राइट, सिंपल। ओके, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, वी हैव टू थिंक एज पर एफ ए। कॉस्ट में अंडर यानी कि कम, तो एफ ए में ज्यादा। मोर एक्सपेंस लेस एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस में क्या करना है, लेस, यस, सिंपल। Administrative overheads over recovered in cost, administrative overheads, income या expense, expense, हमें किसके हिसाब से सोचना है, FA, cost में over यानी FA में कम, तो less expense, less expense क्या करेंगे, yes, depreciation in financial account 11,200 and depreciation in cost account 12,500, first of all, depreciation is my income or expense, expense, बराबर। एफ ए के हिसाब से कितना 11,200, कॉस्ट के हिसाब से कितना 12,500, बराबर, इट्स माय एक्सपेंस, तो हमें किसके हिसाब से सोचना है, एफ ए के हिसाब से, तो एफ ए के हिसाब से इट्स मोर एक्सपेंस और लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस क्या करना है, एंड हाउ मच 1,300, कंफर्टेबल, ओके, वेरी गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव फॉर द इनकम या एक्सपेंस, इनकम, कहां होता है ये, एफ ए, कॉस्ट में तो होगा ही, कॉस्ट शीट में क्या लेते हैं इंटरेस्ट का, राइट, तो मोर इनकम और लेस इनकम पता नहीं किसके हिसाब से सोचना है, एफ ए, एफ ए में इनकम है, मोर इनकम, लेस इनकम, मोर इनकम, वेरी गुड, क्या करेंगे, एंड, कंफर्टेबल, यस। ऑब्सोलेसेंस इन लॉस इन फाइनेंशियल अकाउंट, अगेन ऑब्सोलेसेंस लॉस, लॉस बोले तो इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां रिक्वायर्ड है, एफ ए, हमें किसके हिसाब से सोचना है, एफ ए, एफ ए के हिसाब से एक्सपेंस है, मोर एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस, क्या करेंगे, लेस, कंफर्टेबल, ओके। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स सेम, खर्चा ही है, एफ ए में होगा, लेस, परवाह नहीं, समझा देगी चीज, पक जाओगे फिर। ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंस इज 52,600, ओपनिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट इज 54,000, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्रेडिट में, डेबिट में, यानी इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस, एफ ए के हिसाब से 52, कॉस्ट के हिसाब से 54, वी हैव टू थिंक एज पर एफ ए, तो एफ ए में मोर एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस क्या होगा, एंड हाउ मच 1,400, यस। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंस इज 52 एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट इज 49,600, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में होगा या क्रेडिट में, क्रेडिट में, इनकम या एक्सपेंस, इनकम, किसके हिसाब से सोचना है, एफ ए, एफ ए के हिसाब से कितना है 52, मोर इनकम, लेस इनकम, मोर इनकम क्या होगा, एंड हाउ मच 2,400, कंफर्टेबल, यस। इंटरेस्ट चार्ज इन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट चार्जेस बोले तो इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां पे है, कॉस्ट, वी हैव टू थिंक एज पर एफ ए, एफ ए में है क्या, नहीं, तो नो एक्सपेंस, यानी कि मोर एक्सपेंस और लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस क्या करेंगे, एड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कहां होते हैं, एफ ए, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस, वी हैव टू थिंक एज पर एफ ए, एफ ए में एक्सपेंस है, यानी मोर एक्सपेंस या लेस एक्सपेंस, मोर एक्सपेंस क्या करेंगे, लेस, यस। अब इफेक्ट क्लियर, इधर पटकना शुरू कर देते हैं, राइट, चलो सबसे पहले वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड, अंडर रिकॉर्ड इन कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, रिकवर्ड इन कॉस्ट, हाउ मच 3,120, यस, द
The second one is plus admin overheads. Admin overheads. Over recovered in cost. For example, 1700. Yes. Then depreciation add करना है आपको. F M कम है ना? Depreciation under charged in F M. What is the amount? 1300. Correct. Interest received. ये भी हमें प्लस ही करना है. Interest received. Recorded only in FA. बराबर ये कॉस्ट में आता नहीं है. Amount 8750. Then less है अपना ऑब्सोलेसेंस वाला. ऑब्सोलेसेंस इन लॉस ओनली इन एफ ए. ओनली इन एफ ए हाउ मच? 5700. करेक्ट. देन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अगेन इट इज एन एक्सपेंस. प्रोविजन फॉर टैक्स Not recorded in cost. क्योंकि यहां पर recorded only FA हो गया ना, तभी not recorded in cost. Amount 40,300. Opening stock और closing stock हम लोग already record कर चुके हैं, मतलब बिक चुके हैं इसके लिए. बराबर. तो transaction number 4, opening stock over recovered. कॉस्ट कॉस्ट में ज्यादा है ना ओपनिंग स्टॉक. यस 1400. फिफ्थ क्लोजिंग स्टॉक बराबर ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एफ ए. क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकॉर्डेड इन एफ ए. व्हाट इज द डिफरेंस? 2400 ओनली. Right. Interest charged in cost only. In cost only. Amount 6000. And preliminary expenses written off only in FA. Preliminary expenses written off. Only in FA. Amount 950. Right? अब क्या करना है आप लोग को? सिर्फ टोटल कर लो पहले. मैं भी इस बार सिर्फ टोटल करके बता रहा हूं आपको, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो दिमाग में कि सर ने क्या किया. 3,000, 1,150, 1,150, 1,150, 1,150, 15,550, 15,550, 21,550. फिर एक बार देख लेते हैं. 1700 + 1300 + 8750 + 1400 + 2400 + 6000. सही है दिमाग में मेरे पास. 21,550. ओके ये करना है अपने को एड. और लेस में 8,820, 8,820, 12,000. 8,000, 14,000, 49,120, 49,120, 50,000, 3,120, 5,700, 40,300, 9. That is 15,070. Okay. 50,070. अब ध्यान देना करना क्या है. मैं कैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ. ओके ऐसे ही बोलो तो शायद समझ में ना आए. 172,400 इट इज योर प्रॉफिट और लॉस. लॉस यानी फिगर पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव. तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस वाला बटन दबाएंगे. ठीक है. एंड प्लस
एट द अमाउंट कितना है 21550, दैट कम्स टू माइनस 150850, करेक्ट। तो वो वैसे ही यहां पे लिख लेना है 150850 ब्रैकेट, क्योंकि माइनस में है, करेक्ट। एंड माइनस हमें क्या करना है, माइनस 50070, ओके। सो माइनस 200920 माइनस में ही है, यानी प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस 200920। नाउ दिस वाज द लॉस एज पर कॉस्ट, तो ये लॉस किसके हिसाब से, एफ, राइट। सो देयरफॉर नेट लॉस एज पर व्हाट, एफ, फाइनेंशियल अकाउंट, यस। आई होप द सम वाज क्लियर। बस ये कैलकुलेशन पार्ट कैलकुलेटर वाला थोड़ा सा अलर्ट रह के करना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, ओके, यू डोंट गेट एनी डाउट इन दैट। तो अब जरा स्टैंडर्ड थोड़ा सा लगा सा, हाँ थोड़ा कुछ अलग कुछ बड़ा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करो, सो दैट मेजॉरिटी पीपल विल बी बेनिफिटेड। बाय द टाइम, टेक केयर।